आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स का छठा लेक्चर है ना, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फार्मेकोकाइनेटिक्स में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में फेज ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें कौन कौन सा फेज आएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जब बात किया था तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में बात किया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर बॉडी के अंदर ड्रग का कोई भी केमिकल अल्टरेशन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे लिपिड सॉल्युबल नॉन पोलर ड्रग है और उसका कन्वर्जन हो रहा है वाटर सॉल्युबल पोलर ड्रग में, तो वो भी क्या है, एक तरह का बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हो सकता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने से कि पहले ड्रग एक्टिव रहा हो और बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण ड्रग आपका इनएक्टिव हो जाए या लेस एक्टिव हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो है वो ड्रग क्या था, एक्टिव था लेकिन मेटाबॉलिज्म के बाद भी एक्टिव हो, पार्शियल कन्वर्जन उसका हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ड्रग इनएक्टिव हो, है ना, जिसे हम लोग प्रो ड्रग कहते हैं, और बाद में उसका मेटाबॉलिज्म के बाद बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो एक्टिव हो जाए। तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। आज हम लोग को बात करना है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फेज ऑफ रिएक्शन, और फेज ऑफ रिएक्शन में हम लोग नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे, साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डिसाइक्लाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज वन के अंदर जो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन है उसमें हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का सिंपल मीनिंग होता है या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, या तो हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपका क्या आएगा, जैसे हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन है, डाई अल्काइलेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन है, तो ये तीनों आपका किसके अंदर आता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आता है। जैसे देखिए हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन में कौन कौन सा मेडिसिन का हो सकता है, तो जैसे आपका बेंजोडाइजीपाइन्स है या फिनीट्वाइन है, तो इसका कौन सा मेकानिज्म से होता है, हाइड्रोक्सीलेशन रिएक्शन से होता है। डाई अल्काइलेशन में आपका जैसे रेनिटिडीन है, सीमेटिडीन है, तो इसका आपका डाई अल्काइलेशन के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है। एक ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, ये कैसे होता है, तो बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, है ना। किस केस में देखने को मिलता है, तो एड्रिनालिन के केस में और मरकैप्टोप्यूरिन के केस में। देखिए नाम से स्पष्ट है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, और एमिनेशन का डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और एमिनेशन मतलब NH2 का रिमूवल, किसका, NH2 का रिमूवल, कैसे, बाय ऑक्सीडेशन मेथड। तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जैसे इसको हम एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे एलानिन है, एलानिन में ये आपका क्या है, NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, और इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो रहा है, NH3 के फॉर्म में आपका रिमूवल हो रहा है, किसका, NH2 का, मतलब अमीनो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है, और ये फॉर्म कर रहा है पायरविक एसिड, मतलब एलानिन का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, पायरविक एसिड में हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन कहेंगे। दूसरा है आपका रिडक्शन, नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर दूसरा आपका रिएक्शन क्या है, फेज रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होना, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। नहीं, इसमें आपका इन्वॉल्व होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम, है ना, साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये रिडक्शन मेथड किसमें होता है, तो या तो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक हो, या तो क्यूनोन, क्यूनोन का मतलब कीटोनिक हो, नॉन लगा हुआ है ONES, है ना, तो कीटोनिक हो, या तो अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसका रिडक्शन होगा इस मेथड से। या ड्रग में अगर हम बात करें तो जैसे क्लोरल डिहाइड है, या क्लोराम्फेनिकल,
हेलोथेन, वारफेरिन, है ना, क्लोराम्फेनिकल के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स है, जो कहाँ से मिलता है, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है और ये वेरी इफेक्टिव होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। नहीं, क्लोराम्फेनिकल इज ए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक फॉर्म फ्रॉम सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। हेलोथेन क्या है आपका, एनेस्थेटिक है। नहीं, तो हेलोथेन वारफेरिन क्लोरल्डिहाइड क्लोराम्फेनिकल का नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन मेथड से होता है। उसी तरह से और आपका क्या है, जैसे हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब वाटर, लिसिस मतलब टूटना, तो वाटर के प्रेजेंस में किसी भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर स्टक का हम हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं स्टरेज इंजाइम के प्रेजेंस में, है ना, कौन सा इंजाइम है, स्टरेज इंजाइम, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करता है, एसिड और अल्कोहल फॉर्म कर रहा है इस्टर का हाइड्रोलिसिस होने के बाद। नहीं, मतलब इस्टर का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ स्टरेज इंजाइम, देन ये कन्वर्ट हो रहा है एसिड और अल्कोहल में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। हाइड्रोलिसिस आपका जनरली कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, प्लाज्मा में होता है और अदर टिश्यू में भी आपका हाइड्रोलिसिस देखने को मिलता है। जैसे हम मेडिसिन का बात करेंगे, कोलीन इस्टर हो गया, प्रोकेन, लिडोकेन, एस्परिन, ये सब हाइड्रोलिसिस मेथड से आपका नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर आता है। साइक्लाइजेशन रिएक्शन, नाम से स्पष्ट है, साइक्लाइजेशन का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रिंग, अगर हम कह रहे हैं साइकिल फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड रिंग फॉर्मेशन, तो साइक्लाइजेशन रिएक्शन मतलब फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो इसमें आपका एग्जांपल जैसे प्रोग्वानील है ना, तो प्रोग्वानील कौन सा मेकानिज्म से होता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन से। डीसाइक्लाइजेशन, नाम से स्पष्ट है, डी का मतलब रिमूवल और साइक्लाइजेशन मतलब रिंग, तो रिंग का क्या होगा आपका, ब्रेक होगा, ब्रेक होगा तो ओपन चेन में जाएगा, मतलब कह सकते हैं ओपनिंग ऑफ रिंग, दैट इज कॉल्ड डीसाइक्लाइजेशन। ये आपका माइनर पाथवे है ना, ये डीसाइक्लाइजेशन क्या है, माइनर पाथवे है और किसमें देखने को मिलता है, बारबिट्रेट में और फिनिट्वाइन में, बारबिट्रेट और फिनिट्वाइन में देखने को मिलता है डीसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो ये था आपका नॉन सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर जो फेज होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक रिएक्शन के अंदर क्या क्या होगा, है ना, या मेटाबोलिज्म।